विश्व महासंघ बरेली मंडल से प्रभारी, ये आज जो प्रोग्राम हो रहा है ये हमारे पूजनीय आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के 47वें जन्मदिन दिवस पर हो रहा है। हमने कई वर्षों से हम ये प्रोग्राम करते आए हैं और ये हमारे भंडारे का जो आयोजन है इसका मुख्य एक ही कारण है, हम अपने देश की, अपने प्रदेश की, अपने बरेली शहर की जनता को एकत्रित करना हमारा सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम अपनी देश की जनता को, प्रदेश की जनता को और अपने बरेली डिस्ट्रिक्ट की जनता को सबको एकत्रित करना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मतलब ऊंच नीच भेदभाव सब मिटा करके हमें हिंदुत्व के लिए एक साथ एक पटल पे खड़े रहने के लिए हमें हर साल, हर वर्ष, प्रतिदिन हम विश्व हिंदू महासंगठन के लिए कार्य करते हैं, इससे कि कोई भी हमारा हिंदू समाज या हिंदू भाई हमारे देश से वंचित ना रहे, कोई ऊंच नीच का भेदभाव का विचार ना रखा जाए, सभी जातियां हमारे लिए बराबर हैं। और हम परम पूज योगी आदित्यनाथ महाराज जी के संदेश के अनुसार उनके चरणों में नमन करते हुए ये हम हर वर्ष हर साल प्रोग्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बताइए क्या कार्यक्रम? ये कार्यक्रम महाराज जी के 47वें जन्मदिन के परम पूज्य योगी महाराज जी विश्व हिंदू महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन के शुभ अवसर पर यहाँ हम विशाल भंडारा करा रहे हैं। इस भंडारे का लक्ष्य ये है कि जातिवादी भेदभाव को मिटाकर सारे समाज को इकट्ठा करकर ये हमारा लक्ष्य है। कितने लोग इसमें उपस्थित हो चुके? इसमें लगभग 3000 लोगों की संख्या आ जाएगी। अच्छा, ये मतलब जो है ये भंडारा कितने बजे चलेगा? ये भंडारा हमने लगभग 12 पहले से पहले हमने हवन कराया था, हवन कराने के बाद भंडारा स्टार्ट करा है, भंडारा हमारा लगभग 6 बजे तक चलेगा। क्या संदेश देना चाहते हैं आप बरेली के लिए? संदेश ये देना चाहते हैं बरेली के लिए कि सारे लोग समाज के एकजुट हो जाएं, समाज के साथ चलें, जातिवादी भूलकर राष्ट्र को मजबूत करें, देश को मजबूत करें, बस यही हमारा लक्ष्य है। अब मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार कुछ करेगी? सरकार अपना काम करेगी, हम लोग अपना काम करेंगे, काम तो सभी करते हैं और लक्ष्य एक ही रहेगा। सरकार का अपना लक्ष्य, हमारा अपना लक्ष्य, पहले अपने हमें भी अपना कार्य करना चाहिए जो हमारा लक्ष्य है। ठीक, प्रदेश मंत्री विश्व हिंदू महासंघ और ये जो कार्यक्रम हमने भंडारे का किया है ये हमारे महाराज जी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार है, हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उनका 47वां जन्मदिन है आज। हम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं इसकी खुशी में भी हम इसको ये संदेश देना चाहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास हो। हमारे भारत के जितने लोग हैं एक साथ मिलकर रहे हैं, भेदभाव नहीं हो, जाति पात नहीं हो, इन चीज़ों को हटाकर हमें चाहते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो और भारत पूरे विश्व का गुरु बने, यही हमारी कामना है।